ठीक है, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन के पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे, उसके बाद इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूले की बात करें, कुछ भी दिया हो किसके बराबर लेकर चलना है, वाई के बराबर। सपोज तुम्हें मान लिया, अगर उसने ये कह दिया एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो भी किसके बराबर लेकर चलना है, वाई के बराबर। और डिफरेंशिएशन ये होता है आपका डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, एक्स। अगर जे टी दिया हो तो टी के रेस्पेक्ट में होगा, जिसके रेस्पेक्ट में देगा उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले इसके फॉर्मूले की, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ये मान लें हम, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये है डी वाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स साइन एक्स, इसका डायरेक्ट क्या होता है, कोज एक्स होता है। सेकंड फार्मूले की बात कर लें तो डी वाई डी एक्स ये होता है आपका कोज एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है माइनस साइन एक्स। यदि हम तीसरे नंबर के फार्मूले की बात करें तो डी वाई डी एक्स ये होता है आपका टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चौथे नंबर के फॉर्मूले की बात कर लें तो ये होता है आपका डी वाई डी एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। पांचवे नंबर के फॉर्मूले की बात कर लें तो ये होता है आपका डी वाई डी एक्स sec x का, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। नाइन्थ नंबर फॉर्मूले की बात कर लें तो ये होता है आपका डी वाई डी एक्स sec x हो गया, ये हो गया आपका cosec x, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। अब 10 नंबर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो ये होता है डी वाई डी एक्स लोग एक्स का, किसका, लोग एक्स, और लोग एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। 11 नंबर के फॉर्मूले की बात कर लें तो डी वाई डी एक्स ये आपका होता है एक्स की पावर एन, तो इसमें होता है एन इधर आ जाता है और इसमें से एक कम हो जाता है, एक्स एन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। 12 नंबर के फॉर्मूले की बात कर लें तो डी वाई डी एक्स ए की पावर x, तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log e बेस a, ठीक है। अब 13 नंबर के फॉर्मूले की बात कर लें तो ये हमारे पास होता है log x, और log x का डिफरेंशियल डी वाई डी एक्स x, और x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होता है, 1 होता है। और 14 नंबर के फॉर्मूले की बात कर ले तो डी बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, कांस्टेंट, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बाद हम एक आध और फॉर्मूले हैं उसको करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। हो गए फॉर्मूले, चलो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लें। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो इसमें इन डिफरेंशिएशन में दो और आ जाता है, एक आ जाता है, मान लिया आपको ये दे दे डी वाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। जब भी डिफरेंशिएशन इस टाइप का मिले तो फर्स्ट एज इट इज़, और ये होता है डी बाई डी एक्स सेकेंड का प्लस सेकेंड एज इट इज़, और ये डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स फर्स्ट का,
ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये लगा लो कौन तेरा, ये 14 नंबर का फॉर्मूला है। बात करते हैं 15 नंबर के फॉर्मूले की, तो इसमें एक आपको मिलेगा फर्स्ट अपॉन सेकंड, ठीक है। तो जैसे ही आपको फर्स्ट अपॉन सेकंड मिलेगा, तो इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारा सेकंड का स्क्वायर एक डंडा खींच के सेकंड एज इट इज, जब ये आपको मिल जाए फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो उस कंडीशन के लिए है सेकंड का स्क्वायर सेकंड एज इट इज डी वाई डी एक्स फर्स्ट का माइनस फर्स्ट एज इट इज, और ये होता है आपका डी वाई डी एक्स सेकेंड का, ठीक है। ये एक फार्मूले हैं 15 नंबर का, ये फार्मूला है और ये फार्मूला है, ठीक है। और कुछ फार्मूले पहले लिखवाए थे और कुछ फार्मूले इधर लिखे हुए हैं, तो इन्हें भी नोट कर लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।